नमस्कार, आप देख रहे हैं P100 टीवी लाइव। मैं आपके साथ लक्ष्मी पांचाल। सबसे पहले डालते हैं नजर आज की सबसे बड़ी खबरों। चुनाव और आगामी त्योहार को लेकर रायबरेली पुलिस एक्टिव। रायबरेली होली, रमजान और चुनाव को लेकर रायबरेली पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है, जिसे लेकर क्षेत्राधिकारी वंदना सिंह ने आज नसीराबाद थाना क्षेत्र में सशक्त सुरक्षा बल और पुलिस टीम के साथ पैदल फ्लैग मार्च किया, जहां उन्होंने फ्लैग मार्च के दौरान लोगों से बातचीत भी की और लोगों से कहा कि संदिग्ध व्यक्ति व संदिग्ध वाहन दिखाई देने पर आप लोग तत्काल पुलिस को सूचना दें, वहीं आप सब शांतिपूर्ण ढंग से अपना अपना त्यौहार मनाएं। अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो वो तत्काल थाना प्रभारी को सूचित करें। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रायबरेली में पांचवें चरण में 20 मई को चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सशक्त सुरक्षा बल के साथ निरंतर विभिन्न थाना क्षेत्र में पैदल मार्च किया जा रहा है। संवाददाता वैभव सोनकर की खास रिपोर्ट। की तारीखों के ऐलान के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? जैसा कि आप सभी अवगत हैं, रायबरेली में पंचम चरण में चुनाव है 20 मई को, और इसके अतिरिक्त रमजान माह चल रहा है, होली सन्निकट है, और जो चैत्र नवरात्रि रामनवमी का त्यौहार है, उसको देखते हुए सशस्त्र सीमा बल के साथ निरंतर विभिन्न थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। पीस कमेटी की बैठकें की जा रही हैं, धर्मगुरुओं से संवाद किया जा रहा है, लोगों को ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि निर्भीक होकर मतदान करें एवं शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार संपन्न कराएं। इसके अतिरिक्त जो उपद्रवी या संदिग्ध लोग हैं उनके विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है।